नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के सनोली रोड पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक हेड कांस्टेबल को यहां सम्मानित किया जा रहा है। फूल मालाएं उनके गले में डाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बातचीत करेंगे, आशीष हैं हेड कांस्टेबल। हालांकि अब एक दिन पहले ही देखा कि वो सुर्खियों में आए, क्योंकि सनोली रोड के ही शिव चौक पर एक प्रकरण हुआ, जिसके बाद जो है कुछ जो दुकानदार है, रेडी चालक है, फड़ी चालक हैं, उनमें काफी रोष भी देखने को मिला था। लेकिन अब दुकानदार है जो वो सामने हैं, उन्हें फूल मालाएं डालकर उनका सम्मान किया जा रहा है। सनोली रोड से इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, दुकानदारों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो काम इन्होंने महज 10-15 दिन में कर दिखाया, वो काम जो पुलिसकर्मी वो भी काफी समय से यहाँ पर रहे हैं, लेकिन वो जो काम इन्होंने किया वो काम दूसरे नहीं कर पाए। इनसे एक बार जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले सनोली रोड के एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे जान लेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप इन्हें सम्मान दे रहे हैं, फूल मालाएं डाली? देखो, जो काम नगर निगम DC SP वगैरह नहीं कर पाए, अपना सनोली रोड पे जो जाम रहता था या दुकानदार सहयोग नहीं कर रहे थे, उसके बाद आशीष जी आए, आशीष जी ने कार्यभार संभाला। इन्होंने दुकानदारों का सहयोग लेके उस जाम को लगभग 70% मुक्त किया है। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अगर 2 महीने और रह गया तो मैं इसको जाम पूरा मुक्त कर दूंगा, और मुझे सहयोग चाहिए। सहयोग दुकानदार देने को तैयार थे। आज क्या मैटर हुआ मंडी में रेडी वालों का, वो उनका मैटर है, मैं नहीं पता। लेकिन हम दुकानदार सेटिस्फाइड थे। आगे गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, गाड़ी वाले दुकानदार से लड़ते थे, झगड़े होते थे। जब से ये आए हैं गाड़ियां खड़ी नहीं होती, झगड़े नहीं होते, दुकानदार खुश हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो बिल्कुल नेक दिल, ईमानदार और कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला है, तो हम उसका सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे ASP मैडम से कि इसकी ट्रांसफर जो है वो ना की जाए। ट्रांसफर की जा रही है इनकी, जो सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मैं कहूंगा कि भी इनको यही रहने दिया जाए। आप ये कह रहे हो कि जो SP तक जो है वो जो नहीं कर पाए, पुलिस जो उच्च अधिकारी है पुलिस के, वो जो काम नहीं कर पाए, ये बताया जा रहा है कि मतलब कुछ ही दिनों में इन्होंने वो काम कर दिया। इन्होंने दुकानदारों के सहयोग से, किसी को दुकानदार को तंग किए बिना, यानी कि जिसको दुकानदार से कहा था समझा के, सेटल करके उसको समझाया, उसके बाद अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर इन्होंने अच्छा कार्य किया। तो वो कार्य जो है वो शायद मैं कहूंगा कि कोई नहीं कर पाया। सिंगम का नाम हम दुकानदारों ने दिया है, क्योंकि बिल्कुल सिंगम की तरह ही कार्य किया है, और ऐसे सिंगम ना कभी आया था, ना आया है, ना आएगा। आपका ये कहने का मतलब ये कुछ दिन और रह जाए तो बिल्कुल जाम मुक्त हो जाएगा सुनो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है। अगर ये जिस प्रकार चला था, क्योंकि पहले हम आते थे संजय चौक से लेके नई मंडी जाना हो तो मामूली बात 15 मिनट लगते थे, अब 3 से 4 मिनट जो है वो लगते हैं, और बहुत फर्क है। नहीं तो यहाँ पे गंगापुरी मोड़ पर जाम लग जाता था, आए दिन शाम को, दोपहर को, सुबह, वो जाम जो है वो अब बहुत कम, यानी कि 70% फर्क है। बाकी आप दुकानदारों से पूछ सकते हो, दुकानदार ही खड़े हमारे। ये बताइए, करीब कितने दिन हुए हैं इनको? इनको आए केवल 15 दिन हुए हैं, और मैं यहाँ 2004 से दुकान कर रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने 15 दिन के अंदर यहाँ की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया है, और इन्होंने दुकानदारों को कोई तंग भी नहीं किया, प्यार से समझाया, और मैं देख रहा हूँ कि दुकानदार इनका कहना मान रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं संजय चौक से लेकर ये चांदीबाग थाने तक, दिन में कम से 3 या 4 बार पैदल निकल जाते हैं, राइडर बाइक पे चल जाते हैं, उनके साथ पैदल चलते हैं, और हमारा सनोली रोड जाम मुक्त हुआ है। और हमें जो सुनने में आ रहा है कि इनको यहाँ से चेंज किया जा सकता है, यहाँ से हटाया जा सकता है, इनका ट्रांसफर किया जा सकता है, तो हम चाहते हैं कि इनका ट्रांसफर ना किया जाए और इन्हें यहीं पर रहने दिया जाए। और हमारी एसोसिएशन ने ये सोचा है कि कल हम अपना लेटर पैड पे ले जाकर इन SP साहब से गुहार लगाएंगे कि इनको यहाँ सनोली रोड पे ही रहने दिया जाए, ताकि सनोली रोड को जाम मुक्त किया जाए। यदि प्रधान जी से बातचीत हुई, जो बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी जो काम नहीं कर पाए, इन्होंने, आप ये कह रहे हो 15 दिन हुए आए, 15 दिन में वो काम कर दिया, यदि 1-2 महीना और रह जाए तो बिल्कुल सनोली रोड जाम मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल जाम मुक्त हो जाएगा। पहले जो बड़े ऑफिसर आते थे वो जिप्सी के अंदर चलते थे, दूर से इशारा करा साइड हो जाओ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि रेडी वाले हो गए, दुकानदार कुछ अडिग हैं जो कहने के बावजूद नहीं करते रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि संजय चौक से लेकर चांदनीबाग थाने तक 4 बार पैदल आते जाते हैं, इतनी हिम्मत है, और सारे रेडी वाले सब दुकानदार अपनी हद के अंदर हो चुके हैं। हम SP साहब से गुहार लगाएंगे कि इनको यहीं पर रहने दिया जाए। यदि SP साहब नहीं कहते तो हम चाहे अनिल विज तक जाना पड़े, गृह मंत्री तक, हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर सनोली रोड पर रहने दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर, सम्मानित आज कर रहे हैं कांस्टेबल को? सर, सम्मानित योग्य हैं इसलिए उनको सम्मानित कर रहे हैं। और मैं, ये मेरा मानना यह है कि जो सुगंधित पुष्प है
वो जहाँ भी जाएगा अपनी सुगंध जरूर वो छोड़ करके जाएगा। तो आशीष जी भी हमारे बीच में एक ऐसे ही हेड कांस्टेबल हैं जो एक ऐसे सुगंधित पुष्प हैं जिनकी सुगंध आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे महक रही है। तो हम तो सिर्फ SP साहब से यही कहेंगे कि प्लीज़ इनकी ट्रांसफ़र ना की जाए, अच्छे काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, एक ऐसे ही अपने अधिकारी के अंदर वो हौसला अफजाई करें उसकी, ना कि उसको ट्रांसफ़र करके उसको अंदर को बात करेंगे आगे वो अपना अच्छा काम ना कर सके। तो चलिए दुकानदारों से बातचीत हुई, ट्रांसफर हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि इनका ट्रांसफर हुआ है, कोई ऐसी सूचना अभी तक नहीं हुई, ऑफिशियल कोई ऐसी सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि ट्रांसफर रोकने के लिए गृह मंत्री तक भी जाना पड़ा, तो वो जाएंगे। एक बार हेड कांस्टेबल है आशीष जी, उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका मान सम्मान किया जा रहा है, हालांकि जो वहाँ कुछ लोग थे दुकानदार थे वो विरोध भी कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? सर जो मान सम्मान मुझे यहाँ मिला है, मुझे इनकी सेवा का मौका मिला है, दुकानदारों ने मुझे इतना कोऑपरेट किया है, जाम खुलने का श्रेय नहीं को जाता है सारा, और SP साहब को जाता है जिन्होंने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई। आशीष जी कितने दिन हुए आए आपको? मुझे 15 दिन के करीब हुए हैं। जिस वक्त आप आए थे क्या स्थिति आपने देखी थी? वो तो पब्लिक को सभी को पता क्या स्थिति थी, एक एक घंटा लग जाता था। यहाँ पर रहे हो, क्या लगा आपको, पहले से कितना सुधार हुआ? शायद इसमें 70-80% तक सुधार हो गया, वो भी इनकी मदद से, दुकानदारों की मदद से। बताया जा रहा आपका ट्रांसफर हो गया, इसके बारे में अभी मुझे कोई सूचना नहीं, ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। यदि आप कुछ समय और रह जाते हो यहाँ सुनोली रोड पर, जैसा कि दुकानदार ये कह रहे हैं कि आपका ट्रांसफर रुकवाया जाए सुनोली रोड पर, रहने के लिए उच्च अधिकारियों से लेकर गृह मंत्री तक ये मिलेंगे यदि आपका ट्रांसफर होता है, यदि आप कुछ दिन और रह जाते हो तो लगता है बिल्कुल जाम मुक्त हो जाएगा सुनोली रोड? सुनोली रोड पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 15 दिन के और अंदर, अभी तो ये नाले का निर्माण चल रहा है इसी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, 15 दिन के अंदर गाड़ी संजय चौक से बबैल रोड नाका बगैर ब्रेक लगे चलेंगी सभी की। तो आपका उच्च अधिकारी आ जाता है, SPDC की गाड़ी आ जाती है, क्योंकि सुनोली रोड पिछले लंबे समय से जाम से जूझ रहा है, ये तो दुकानदारों का भी कहना है, और जो गाड़ी है वो बीच में ही खड़ी करके चले जाते हैं कुछ लोग, आपका कोई अधिकारी ऐसा आ जाता है बीच में गाड़ी खड़ी कर देता है कुछ, तो उनके खिलाफ भी आप एक्शन लोगे? हाँ, जो रोड पे खड़ी करेगा, SP साहब के आदेश हैं कि रोड के बीच में खड़े करने वाले की कोई माफी नहीं है, अगर वो हटा लेते हैं भाईचारे में तो फिर उन पे कोई भी फाइन वगैरह नहीं किया जाता। आशीष जी, एक सुनोली रोड का जो शिव चौक का मामला था, वो आज ASP भी मैडम भी पहुंची थी वहां पर, वो क्या मामला था, वो भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो परेशान है क्योंकि वो रोज प्रदर्शन भी कर रहे थे, वो क्या था थोड़ा? वहाँ कुछ एक लड़की थी अकेली रहती, उसकी माँ है बुजुर्ग, वहाँ कुछ UP के बैड एलिमेंट टाइप लोग थे, उन्होंने उसकी दुकानों के आगे से बिल्कुल कब्जा कर रखा था नाजायज, हमने उसको कब्जे को हटवा दिया, और जो अपना मंदिर था वहाँ साथ में उस पर रेडिया लगती थी और उनसे वसूली की जाती थी रेडी वालों से, रेडिया मंदिर के पास खड़े होती थी, आगे लोग बाइक मोटरसाइकिल स्कूटर कार लेके उनसे सामान खरीदते थे, रोड पर जाम की स्थिति पैदा होती थी, इसलिए उनको थोड़ा हमने साइड किया था। वैसे अफसरों के तो आदेश हैं भाई इनको नोटिस देके मुकदमा दर्ज किया जाए इनके खिलाफ। आप वहां पर थे काफी समय से, दुकानदारों को आपने पीछे किया, लेकिन आज ASP मैडम पहुंची थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप रेडी लगाइए, लेकिन आप उनको हटाने का काम कर रहे थे कि यहाँ पर जाम लगता है। हाँ, अगर ऐसा इसमें कुछ हम थोड़ा उनको ढील भी देंगे, जब अफसरों के आदेश हैं जाम फिर भी नहीं लगने दिया जाएगा। तो इसको लेकर अब क्या करेंगे आप, किस तरह का प्लान बनाएंगे कि जाम ना लगे, क्योंकि वाहन चालक तो लगातार यहाँ से गुजरते हैं, स्थिति बनती रहती है जाम, उनको देखते जगह का थोड़ा एडजस्टमेंट आगे पीछे करके, ताकि कोई रोड पे उनका खरीदार आता है वो रोड पे गाड़ी ना खड़े करे, रोड पे ना खड़ा हो, ऐसी स्थिति बनाई जाएगी। तो बिल्कुल सुना आपने, हेड कांस्टेबल है आशीष जी, उनसे बातचीत हुई और तमाम जो दुकानदार है उनसे भी बातचीत हुई, जिनका दावा है कि यदि कुछ दिन और ये सनोली रोड पर रहते हैं तो वाहन चालकों को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम जो दुकानदार है देखिए यहाँ पर एकजुट हैं और आज इनका मान सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि कुछ देर पहले आपने सनोली रोड के शिव चौक पर भी देखा कि पूरा प्रकरण किस तरह हुआ था, ASP मैडम वहाँ पर पहुंची थी और अब जो दुकानदार है, तमाम दुकानदारों द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है, फूलमालाएं आप देख सकते हैं गले में डाली गई है, और इनका ये कहना है कि
हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, बताया जा रहा है कि इनका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया गया है। इसको लेकर भी दुकानदारों का ये कहना है कि ये उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और आवश्यकता पड़ी तो गृह मंत्री तक भी जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।